और अब खबर बेमित्रा जिले के बेला ब्लॉक के ग्राम भिबोरी कुम्ही कुसमी से है, जहां के ग्रामीण जमीन मुआवजे की मांग को लेकर बेमित्रा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्टर रणवीर शर्मा को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग कर जल्द समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। दरअसल 3 साल पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क निर्माण कराया था, जिसमें किसानों की जमीन सड़क में आ गई थी, जिसका मुआवजा देने का विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसानों को जमीन के मुआवजे की राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर किसान लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसी के चलते किसानों ने एकजुट होकर कलेक्टर के पास पहुंचकर मुआवजे की राशि को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने उनकी समस्या का जल्द निराकरण करने का भरोसा दिलाया। हम लोग ग्राम भिमोरी के हैं, कृषक हैं। हमारे गांव में जो है रास्ता निकला है, देवसरा है, वहां से रास्ता निकला है, जिसके लिए हम लोग आज 2 सालों से भटक रहे हैं मुआवजा के लिए। तो मुआवजा राशि तो मिली नहीं है, ऊपर से हमारी जो मूल फाइल है वो फाइल भी जो है 2 सालों से गायब है, कहाँ है नहीं मालूम किसी भी प्रकार से, जिसकी शिकायत हम लोग साहब के पास करने आए हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्द वो फाइल ढूंढे और हम लोगों को न्याय मिले। मैं गांव कुम्ही का रहने वाला हूं। हमारे गांव के किनारे किनारे पीडब्ल्यूडी का रोड बनाया, तो उसमें हम लोगों का जमीन निकला हुआ है, और मुआवजा देने की बात की गई थी, लेकिन 2-3 साल हो गए अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और मैं 2-3 बार जन दर्शन में आ चुका हूं, और यहां आते हैं तो बोलते हैं कि फाइल वहां से नहीं आया है। पीडब्ल्यूडी में जाते हैं तो वो बोलते हैं, कलेक्टर ऑफिस बोलते हैं तो वो भी नहीं आए बोलते हैं। हम लोग एसडीएम के पास भी गए थे तो वो लोग बोलते हैं कि फाइल हम लोग बेमित्रा भेज दिए हैं, लेकिन हम लोग दर दर भटक रहे हैं, अभी तक मुआवजा की राशि नहीं मिल पाई। भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो मुआवजा की राशि है वो उनके प्रकरण को देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उनकी जो राशि होगी वो उनको मिल जाएगी।